वेलकम टू अनदर वीडियो। यह नरुतो कन्वर्सेशन का पार्ट 12। तो अब तक नरुतो और सास्के का आमना सामना हो चुका था, जहाँ पर काफी बुरे से पीट रहा था सास्के नरुतो को, जहाँ हम बीच बीच में सास्के के फ्लैशबैक में जा पाते हैं, जहाँ पर जब उसके भाई ने उसके पेरेंट्स और पूरे क्लैन वालों को मार दिया था, तब उसने अपने शारिंगन से मांगा कि वो शारिंगन से उसको जो यातनाएं दी थी वो उसको याद आती है, जो उसके लिए उस समय सहना काफी मुश्किल हो गया था। पर उसका भाई यहीं पे नहीं रुकता, वो उसको उसका दौर पीटता भी है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर उसके बाद उसको वो चैलेंज कर देता है कि तुम कमज़ोर थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। मतलब बाकी लोग थोड़े से वैल्यूएबल थे, उनको मारना ठीक था, लेकिन तुम मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। और एक समय की बात भी हम देख पाते हैं, जहाँ पर जब इताची को कुछ लोग पीटने आए थे, तो उस समय भी उसने अपने मैंगो को शारिंगन दिखाया था सास्के को, जिसके बारे में बताया था सास्के को कि तुम भी अचीव कर सकते हो, जिसका तरीका तुम ढूंढ सकते हो हमारे क्लैन के हिस्ट्री में जाकर। मतलब शायद कोई मंदिर या टेम्पल था जहाँ पर जाके सास्के ढूंढ सकता है। और सास्के को जब होश आता है, मतलब वो अपने को इसके बाद हॉस्पिटल में पाता है, और जैसे उसको होश आता है वो पहुँचता है अपने क्लैन में, जहाँ की गली अब सूनी हो चुकी है और सभी लोग वहाँ से जा चुके हैं क्योंकि वो मारे गए हैं इताची के हाथों। और वो पहुँचता है अपने टेम्पल या फिर किसी सीक्रेट जगह पर, जिसके अंदर जाके जहाँ का ठिकाना बताया था उसको इताची ने, वो कुछ सीक्रेट जान पाता है शारिंगन और उचिया की शक्तियों के बारे में, और जो सब उसके दिमाग में चल रहा है जिस दौरान वो लड़ रहा है नरुतो से। तो नरुतो काफ़ी पिट चुका है सास्के के हाथों, और नरुतो के दिमाग में कुछ अपनी बातें चल रही है सास्के को लेकर, जहाँ पे वो बचाना चाहता है सास्के को, और वो भी तैयार हो जाता है इस बार बराबरी का मुकाबला करने के लिए सास्के से। अब जिस बीच गांव में काकाशी सेंसे ढूंढने निकलते हैं सास्के और नरुतो को और बाकी सारे गैनियंस को, जो कि यहाँ पे ओरिचिमारु के प्यादों से लड़ने के लिए निकले थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे सास्के और नरुतो का टकराव होता है, मतलब उनकी मेन शक्तियों का, चिदोरी और रासिनगन का, जहाँ पर इसका असर दोनों को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पर सास्के यहाँ हार नहीं मानता और अपने कर्ज मार के पहले फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो काफ़ी सारे फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे नरुतो के करके बचता है। और फिर दोनों हम फ्लैशबैक पे पहुँचते हैं, जहाँ पर शायद नरुतो खुद को और सास्के को जैसे देख पाया था, पर यहाँ पर नरुतो हार रहा है, जहाँ पर उसको उठा दिया है सास्के ने और अपने चिदोरी से उसका वार करने वाला है। और इस बीच हम पहुँचते हैं फ्लैशबैक में दोबारा, जहाँ पर दोनों काफ़ी तक अकेले थे, मतलब बाकी सारे बच्चों की फैमिली हुआ करती थी, लेकिन ये दोनों बाकी बच्चों के उनके फैमिली के साथ घर जाने के बाद भी अकेले रह जाते थे, जहाँ एक दूसरे की तरफ देखते ज़रूर थे लेकिन घमंड से अपना चेहरा मोड़ लिया करते थे। लेकिन यहाँ नरुतो उसको लेकर सोचता है कि उस समय शायद इसको उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए थी। और यहाँ दूसरी तरफ सास्के ने आर पार कर दिया नरुतो के सीने से, जिसके बाद शायद नरुतो हार चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अब भी काफ़ी कुछ कर सकता है नरुतो, जहाँ पे वो अपने नाइन टेल फॉक्स के चक्र का इस्तेमाल करता है और उसके साथ ही उसका जख्म काफ़ी आसानी से हील हो जाता है। और हम देख पाते हैं दोनों की शक्तियों के और बेहतरीन टकराव को, जहाँ पर नरुतो से झड़ी लगाने वाला है सास्के पे अपने एक एक करके वारों की, लेकिन जहाँ पर दोनों काफ़ी तक बराबरी के कंपेटिटर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सास्के भी हार मानने को तैयार नहीं है, जिनके वारों के झटके इस शांत पड़े से झील में साफ साफ देखे जा सकते हैं। अब जिसके बाद नरुतो अब भी उम्मीद में कि सास्के उसको समझेगा और वो इस जिद को छोड़ देगा, लेकिन ना तो नरुतो की ख्वाहिश पूरी होती है और ना ही लड़ाई ख़त्म होती, क्योंकि सास्के के दिमाग में एक जिद चल रही है जो कि उसे और पावरफुल बनना है, जिसके लिए उसे हराना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा नरुतो से, और शायद मारना ही पड़ सकता है नरुतो से। मतलब यहाँ पर उसे बदला लेना अपनी फैमिली का, जो कि उसके साथ थी। मतलब भले ही यहाँ नरुतो और सास्के काफ़ी तक सेम क्यों ना हो, भले ही यहाँ पर दोनों अकेले क्यों ना शुरू से, लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन नहीं थी, और वो ये थी कि नरुतो शुरू से ही अनाथ था, जबकि सास्के के पास एक फैमिली हुआ करती थी जो कि मारी गई थी, जिसका बदला उसको लेना है। पर इस बीच काफ़ी सारे तगड़े तगड़े वार का इस्तेमाल भी करता है नरुतो अपने शैडो क्लोन जुत्सु के साथ, लेकिन आखिर में सास्के कामयाब होता है उसको एक स्लैम देने में, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर इस वार के बाद भी अपने आप को अपने चक्रा से, मतलब अपने नाइन टेल फॉक्स के चक्रा से संभाल लेता है नरुतो, और फिर इस चक्रा के बाद सास्के के ऊपर और काफ़ी तगड़े वार करना शुरू कर देता है वो। लेकिन सास्के भी यहाँ दोबारा हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास है उसका कर्ज मार्क, जिसके इस्तेमाल से वो अपने कर्ज मार्क के सेकंड फॉर्म में आ जाता है, और जहाँ वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है नरुतो से बराबरी का मुकाबला करने के लिए, जहाँ ये फॉर्म सच में काफ़ी कमाल का और ख़तरनाक लगता है, जिसके बाद उसके पीठ पर आ जाते हैं कुछ हाथ, मतलब जो कि उसको नरुतो के सारे वार से बचाते हैं। और अब उसके पास दो अलग से हाथ आ जाते हैं उसकी बॉडी में, जो उसके पंख की तरह काम करते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं आखिरी टकराव नरुतो के रासिनगन, जो कि उसके नैंडल फॉक्स के चक्रा के साथ मिक्स है, मतलब नैंडल चक्रा फॉक्स वाले फॉर्म में, और साथ में यहाँ पर उसके कर्ज मार्क के सेकंड फॉर्म के साथ चिदोरी, जो दिखने में अलग ही लग रही है चिदोरी की तुलना में। और यहाँ पर दोनों के वारों का एक टकराव होता है, जिससे आसपास के एरिया में काफ़ी तगड़ा तहलका मच जाता है, मतलब आसपास का पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है इस झटके से, जिसको काकाशी फील कर सकते हैं दूर से। और इस सब के बाद आखिर में नरुतो हार जाता है।
तो सासुके के दिमाग में चल रहा था कि उसे अपने दोस्त को मारना पड़ेगा, जैसे उसके भाई ने कहा था कि उसको अगर मांगा कि शाइनगन हासिल करना है तो अपने सबसे करीबी दोस्त को मारना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सासुके भी उसको अपनी फैमिली की तरह सोचता था। मतलब इस फाइट में जब सासुके ने कहा था कि तुम शुरू से अनाथ थे, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन नारुतो का कहना था कि मेरी फैमिली तुम लोग ही तो थे और अब तुम लोगों को मैं नहीं खोना चाहता। जिसके बाद यहाँ सासुके अपने भाई से अलग रास्ता चुनता है और नारुतो को जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से दूर निकल जाता है, जहाँ पर कुछ अलग तरीके से वो ज़्यादा पावरफुल बनकर दिखाएगा और अपने भाई को हरा कर दिखाएगा। तो इस सब के बाद जहाँ पर नारुतो हार चुका है, उसको काकाशी सेंसेई लेने आ जाते हैं और वो उनके साथ जाता है अपने गांव की तरफ, जहाँ इस लड़ाई में बाकी सबकी काफ़ी बुरी हालत है। जैसे कि यहाँ पर एक तीर आर पार हो गया था सीने से नेजी के, जिसका इलाज चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ साकुरा भी काफ़ी तक परेशान है सासुके और नारुतो को लेकर। मतलब वो नहीं चाहते कि नारुतो ऐसा और खतरे दोबारा ले उसके लिए और वो दोबारा ढूंढने जाए, लेकिन नारुतो ने ये वादा ज़िंदगी भर के लिए लिया था, जिसको जिराया सेंसेई भी समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये कोई मत करो, मैंने भी की थी बहुत पहले और मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा था ओरोचिमारु को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। पर अब देखते हैं क्या होता है अगर, जहाँ पर इसके बाद शायद इनकी ट्रेनिंग आगे शुरू होने वाली है, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग को और अलग लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है जिराया सेंसेई। और यहाँ कुछ और ख़तरनाक लोग हैं जो कि देखे नहीं जा रहे, पर यहाँ पर शायद इताची भी इनका हिस्सा है जो कि सासुके का बड़ा भाई है। और इसके अलावा यहाँ पर नारुतो खान निकलता है रैमन, जहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं लोग धड़ दबोच के दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, क्योंकि उसका बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है क्योंकि उसकी हीलिंग अभी चल रही है। तो जिराया सेंसेई वहाँ आते हैं और उसके इलाज के लिए दिए गए फलों को खा जाते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल में उसको मिलते हैं वो खुद खा रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब वो ठीक होता है तो यहाँ पर साकुरा को लेकर वो लोग निकलते हैं एडवेंचर में, जहाँ शायद वो पहुँचेंगे साउंड विलेज की तरफ और शायद ढूंढ लेंगे सासुके को, जहाँ पर अकेले आगे निकलते हैं जिराया सेंसेई इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक खतरनाक से एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पर खतरा काफ़ी तगड़ा होता है और यहाँ पर ये लोग सारे पैसे छीनने के लिए तैयार होते हैं जिराया सेंसेई के, लेकिन वो नहीं जानते कि जिराया सेंसेई कौन है, पर वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए वहाँ से शायद भाग जाते हैं। तो यहाँ पर साकुरा, नारुतो और जिराया सेंसेई इनसे बच के भागते हैं, जहाँ पर इस बीच मिलता है उन्हें एक सरदर्द जिसका सामने पहले नारुतो और साकुरा कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ और खतरे मंडरा रहा है जिससे बचाता है इसको नारुतो, जिनका सामना काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो कर लेता है। तो सबके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर जिराया सेंसेई एक ऐसी जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पर सबको घेर के खड़े हो चुके हैं और उनका सामने नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जिराया सेंसेई इनको अपनी शक्तियों का कुछ नमूना दिखाते हैं अपने राशन गन के साथ, जिसके बाद ये लोग इनके आगे अपने घुटने टिकाते हैं और इन्हें इन्फॉर्मेशन दे देते कि इन्हें कैसे मिलेगा साउंड विलेज और कैसे ये लोग शायद ओरोचिमारु तक पहुँच सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर सरदर्द निकली एक लड़की जो फूमा क्लैन से, जो साउंड विलेज के आसपास के कुछ बात थी, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी तक अपने क्लैन को रिवाइव करना चाहते हैं, जिसको रिवाइव करने की गारंटी वारंटी और अथॉरिटी दी है इन्होंने ओरोचिमारु को, या फिर ओरोचिमारु ने कहा है कि वो उनके गाँव को दोबारा जिंदा करके दिखाएगा और साउंड विलेज को अपने हिसाब से हथिया लिया और शायद इनको ओवरटेक कर लिया और इनका कार्ड दिया ओरोचिमारु ने। तो जिस भी चीज़ सारी बातें चल रही थी वहीं यह देख पाते कि आसपास काफ़ी सारी मकड़ियाँ इनके इस मंदिर के अंदर जमा हो चुके हैं, जिसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो उस मंदिर के आसपास बहुत बहुत सारे जाले ये लोग देख पाते हैं, जिसको निपटाने के लिए नारुतो यूज़ करता है मल्टीपल शटलून जुत्सु का। लेकिन तभी यहाँ पर एक और जुत्सु यूज़ होता है जो कि इस पूरे मंदिर या फिर जगह को धसा रहा होता है अपने अंदर एक दलदल की तरह, जिसके बीच गिर जाता है नारुतो और उसको बाहर निकालते हैं जिराया सेंसेई। पर एक शटक्लोन था जिसके बाद इस पर कुछ और वार होने शुरू हो जाता है, जहाँ पर नारुतो जो उस पर वार कर रहा था और जिसने गड्ढा किया था उसके ऊपर यूज़ करता है अपने राशन गन का और उस तरह से वो उसको हरा देता है। तो ये लोग यहाँ पे सेफ हो चुके हैं और ये चारों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इस सब के अलावा ये लड़के इन तीनों के खानों में कुछ मिला देते हैं, जिसके बाद ये तीनों खाना खाकर बेहोश हो जाते हैं। और ये आगे बढ़ती है उस जगह पर जहाँ पर इसके भाई की मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसके भाई को भी फ्यूमा क्लैन से ले लिया गया था ताकि ये लोग उसके साथ रिवाइव करा सके फ्यूमा क्लैन को और कुछ अच्छा कर सके इनके लिए, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करने वाले थे या फिर शायद कोई भला इनका करने वाले थे। अब जहाँ पर लड़की मिली थी इन लोगों से भी, जहाँ पर इसको कहा जाता है कि निंजा उसको मार दो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती और इसको साइड करके, मतलब इस लड़के का इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ मारने वाले थे इन लोगों को। लेकिन यहाँ पर नारुतो भी ठीक था, जहाँ पर इस लड़की को बचा कर वो लड़ता है इन लोगों से, जहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो सामने देखा जा रहा है जो अर्थ टेक्निक यूज़ कर सकता है, अर्थ स्टाइल जो यूज़ कर सकता है, वो एक ककून से निकलता है और इसके अंदर से निकलती है एक सुंदर सी लड़की जो काफ़ी पावरफुल होती है और अपने वारों का इस्तेमाल करती है इनके ऊपर, जो कि उसने अपनी पूरी शक्ति को जोड़ के किया था ताकि वो अपने साथियों को बचा सके। और इस वार के साथ वो मारी जाती है, जिसका इसके लाश को ले जाया जाता है और ओरोचिमारु के पास, जहाँ ओरोचिमारु उनको एक्सेप्ट नहीं करता और इन दोनों को भी मार देता है, जहाँ पर ओरोचिमारु से दोनों लड़ने गए थे और ये दोनों भी मारे जाते हैं। तो आखिर में तीनों मारा जा चुका है, जहाँ पर अब फ्यूमा क्लैन वाली इस लड़की के साथ जिराया सेंसेई, नारुतो और सासुकुरा आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस लड़की को यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि ये निंजा नहीं है। और यहाँ पर ये तीनों एक मेंढक के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ आगे नहीं मिलते तीन रास्ते, जिनमें से नारुतो को लगता है कि बीच वाला रास्ता ठीक होगा और जिराया सेंसेई भी इसको थोड़ा सेंसिबल तरीके से सोचना चाहते हैं और अपने गट्स को छोड़कर एक लोहे की रॉड जमीन में गाड़ कर उसको गिरने का इंतजार करते हैं और लोहे की रॉड उनको
राइट वाले गड्ढे की तरफ दिखाता है इशारा, तो वो कहता है राइट वाला रास्ता ठीक है। तो इस सब के बाद ये लोग अपने रास्ता चुनते हैं जहाँ पर नरूटो और साकुरा जाते हैं बीच वाले रास्ते में, और ये मेंढक जाता है लेफ्ट वाले रास्ते में, और जिराया सेंस जाते हैं राइट वाले रास्ते में, मतलब जहाँ पर आधे घंटे के अंदर इन्हें कुछ नहीं मिलता तो इन्हें वापस आना पड़ेगा। तो अंदर होते हैं बहुत सारे ट्रैप जहाँ पर एक में फंस जाता है नरूटो और किस तरह से बच जाता है, और तभी वो दोबारा दूसरे ट्रैप में गिर जाता है जो कि एक गड्ढे के अंदर बहुत सारे सीख के साथ लगे होते हैं, जहाँ पर वो सीख को पकड़ के बच जाता है और इसके अंदर नहीं धंसता। और इस सब के अलावा जिस रास्ते में गए थे जिराया सेंस से, उन्हें यहाँ मिलती है शबाब और शराब जिसके साथ वो मजे कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब इतना ईजी नहीं होता। जहाँ पर ये अपने बालों का इस्तेमाल करके जकड़ लेती है जिराया सेंसे को, और जिराया सेंसे को भी काफ़ी हद तक नशे में झंझोड़ दिया जाता है, जहाँ पे वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते और ऊपर से उनकी सीलिंग उनके ऊपर गिर जाती है। तो जिराया सेंसे का शायद यहाँ पर राम नाम सत्य हो चुका है, और देखते हैं क्या करते जिराया सेंसे, क्या वो बचे होते हैं और इन लोगों को बचा पाते हैं, क्योंकि नरूटो इस गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है जहाँ पर शेडक्लोन जोत्सु से बचने की कोशिश कर रहे हैं सीरियस, लेकिन तभी यहाँ पर एक दरार आती दीवार में और दीवार से बहुत सारा पानी आता है जो उस मेंढक की करतूत थी, जिसके बाद इन्होंने इस पानी में डूब जाते हैं। और इससे बचना इतना आसान नहीं होने वाला नरूटो के लिए, क्योंकि वो अब पीठ या पेट में छेद से नहीं डूब के मरने वाला है। तो इस सब के अलावा हम बढ़ते हैं साकुरा की तरफ, जो कि अकेले आगे बढ़ रही है क्योंकि शायद नरूटो नहीं रहा, पर वो बढ़ रही है। जहाँ पर एक लाइट लेके वो आगे बढ़ती है और पहुँचती है एक हॉल में, जहाँ पर वो काबूटो को देख पाती है, और काबूटो से उसकी बातें होती है कि जिराया सेंसे मतलब नरूटो को हराना इतना आसान तो नहीं है, तो वो कहाँ होंगे, क्या वो बचे होंगे या फिर ऐसा ही कुछ। जहाँ पर इस सब की बात बातें करते करते जब साकुरा लड़ना शुरू करती है काबूटो से, तभी उसके सामने आता है ओरिचिमारू, या फिर उसका कोई शायद क्लोन था जिसके बाद उसके ऊपर यूज़ होते हैं, मतलब साकुरा के ऊपर यूज़ होते हैं गेंजुत्सु का, जिसके बाद वो काफ़ी तक असहाय हो जाते हैं। लेकिन तभी वो आता है नरूटो और मज़े लेते हुए लड़ना शुरू कर देता है वो काबूटो से, मतलब मेंटली टॉर्चर करता है काबूटो को, और उसका तो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन से लड़ना शुरू कर देता है उसके साथ। लेकिन जहाँ पर शैडो क्लोन को करके हरा देता है वो, तभी यहाँ पर नरूटो यूज़ करता है अपने हुकुम के इक्के को, जो कि होता है रासेनगन, और उसके साथ वो काबूटो की बैंड बजा देता है। लेकिन काबूटो भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं था, क्योंकि उसने अपने बॉडी को लिंक कर लिया था, मतलब अपने हार्ट को लिंक कर लिया था नरूटो के हार्ट से, जहाँ पर इस चक्रा थ्रेड से अगर वो अपने हार्ट को कुचल देगा तो इसका असर नरूटो के ऊपर भी होगा, जिसको काटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये थ्रेड इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़की आती है जो कि फूमा क्लैन की थी, और वो एक कुनाई देती है, मतलब जहाँ पे ये अपने हाथ को कुचलने ही वाला था, और यहाँ पे वो कुनाई देती है, जिस कुनाई से वो थ्रेड कट जाता है और इस तरह से नरूटो मरने से बच जाता है। तो यहाँ जो मरा है वो काबूटो नहीं, ये वही लड़का या लड़की है जिसको कुछ समय पहले इन लोगों ने देखा था अर्थ स्टाइल जो यूज़ करते हुए, जिसको दोबारा रीइनकार्नेट किया था ओरिचिमारू ने, जिसको यहाँ दोबारा मरने के लिए छोड़ दिया गया और उसने दिल कुचल के खुद को मार लिया। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं और देख पाते हैं ओरिचिमारू को, जो कि अराशी ने गेटअप पहन रखा था, और ये अराशी जिसके खोज में निकली थी लड़की, लेकिन ये अराशी नहीं रहा, ये एक मॉन्स्टर बन चुका है जिसके अंदर बाकी के जूनियन भी जुड़ चुके हैं, और ये अब पहले वाला अराशी नहीं रहा, जिसको काफ़ी तक डिस्टॉर्ट कर दिया और डिस्ट्रॉय करने वाली बॉडी दे दी है ओरिचिमारू ने। तो ये था नरूटो के कंटिन्यूएशन का पार्ट 12। आगे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका अगला पार्ट, और वैसे इस पार्ट के बारे में आपका सोचते अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।